और खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर बोकारो से सामने आ रही है, जहां झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन ने प्रदर्शन किया है। झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन बोकारो इकाई ने डीसी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इसके बाद यूनियन के नेताओं का एक शिष्टमंडल ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यूनियन नेता की ओर से कहा गया कि बीएसएल के अंदर कार्य कर रहे एनएक्स इंडिया लिमिटेड द्वारा मजदूरों का शोषण हो रहा है। डीसी महोदय को हम लोग एक ज्ञापन देने आए हूं, और उस ज्ञापन में बोकारो स्टील प्लांट के अंतर्गत कार्यरत एनएक्स इंडिया लिमिटेड द्वारा ठेका मजदूरों का जघन्य शोषण दमन अत्याचार और उनका कानूनी हक जो अनियमित है। बोकारो स्टील में जो भी ठेका मजदूर है, जो सुविधाएं देता है, जो उसका नियम है, जो भी श्रम कानून है, उस तमाम कानून को उल्लंघन कर, श्रम कानून को उल्लंघन कर एनएक्स का ठेकेदार द्वारा ठेका मजदूर को जघन्य शोषण किया जा रहा है, उसका प्रतिवाद में, उसका विरोध में आज डीसी महोदय को हम लोग ज्ञापन देकर जो मजदूरों का साथ अन्याय हुआ उसको न्याय का हम लोग मांग करते आए हूँ डीसी महोदय। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर बोकारो से सामने आ रही है, जहां झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन ने प्रदर्शन किया है। झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन बोकारो इकाई ने डीसी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इसके बाद यूनियन के नेताओं का एक शिष्टमंडल ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यूनियन नेता की ओर से कहा गया कि बीएसएल के अंदर कार्य कर रहे एनएक्स इंडिया लिमिटेड द्वारा मजदूरों का शोषण हो रहा है। डीसी महोदय को हम लोग एक ज्ञापन देने आए हूं, और उस ज्ञापन में बोकारो स्टील प्लांट के अंतर्गत कार्यरत एनएक्स इंडिया लिमिटेड द्वारा ठेका मजदूरों का जघन्य शोषण दमन अत्याचार और उनका कानूनी हक जो अनियमित है। बोकारो स्टील में जो भी ठेका मजदूर है, जो सुविधाएं देता है, जो उसका नियम है, जो भी श्रम कानून है, उस तमाम कानून को उल्लंघन कर, श्रम कानून को उल्लंघन कर एनएक्स का ठेकेदार द्वारा ठेका मजदूर को जघन्य शोषण किया जा रहा है, उसका प्रतिवाद में, उसका विरोध में आज डीसी महोदय को हम लोग ज्ञापन देकर जो मजदूरों का साथ अन्याय हुआ उसको न्याय का हम लोग मांग करते आए हूँ डीसी महोदय। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर बोकारो से सामने आ रही है, जहां झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन ने प्रदर्शन किया है। झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन बोकारो इकाई ने डीसी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इसके बाद यूनियन के नेताओं का एक शिष्टमंडल ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यूनियन नेता की ओर से कहा गया कि बीएसएल के अंदर कार्य कर रहे एनएक्स इंडिया लिमिटेड द्वारा मजदूरों का शोषण हो रहा है। डीसी महोदय को हम लोग एक ज्ञापन देने आए हूं, और उस ज्ञापन में बोकारो स्टील प्लांट के अंतर्गत कार्यरत एनएक्स इंडिया लिमिटेड द्वारा ठेका मजदूरों का जघन्य शोषण दमन अत्याचार और उनका कानूनी हक जो अनियमित है। बोकारो स्टील में जो भी ठेका मजदूर है, जो सुविधाएं देता है, जो उसका नियम है, जो भी श्रम कानून है, उस तमाम कानून को उल्लंघन कर, श्रम कानून को उल्लंघन कर एनएक्स का ठेकेदार द्वारा ठेका मजदूर को जघन्य शोषण किया जा रहा है, उसका प्रतिवाद में, उसका विरोध में आज डीसी महोदय को हम लोग ज्ञापन देकर जो मजदूरों का साथ अन्याय हुआ उसको न्याय का हम लोग मांग करते आए हूँ डीसी महोदय। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ। इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिम्युलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।